नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लो ब्लड शुगर, जिसे हम हाइपोग्लाइकेमिया के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी स्थिति कई बार पैदा कर देती है जब गंभीर शारीरिक समस्याओं के वजह से कई बार जान हानि का भी खतरा बना हुआ रहता है। कई बार तो लो ब्लड शुगर के वजह से लोग कोमा में भी आ जाते हैं या बेहोशी की हालत में भी आ जाते हैं। तो आज मैं विस्तार पूर्वक लो ब्लड शुगर किसे कहते हैं, उसके लक्षण क्या क्या हैं और उसके कारण क्या हैं, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप तक शेयर करूंगा। इससे पहले कि ये जानकारी आपको शेयर करूं और ये वीडियो आपको संपूर्ण आपके सामने रखूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके मन में जो भी सवाल हो या सुझाव हो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। हाइपोग्लाइकेमिया या लो ब्लड शुगर किसे कहते हैं, ये पहले समझने की आवश्यकता है। शरीर में शुगर हमको एनर्जी के लिए आवश्यक है। कई बार शुगर का लेवल लो हो जाता है, लो होने के बाद कई ऐसे असामान्य लक्षण पैदा होते हैं जो शरीर को दिक्कत में डाल सकते हैं, जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लो ब्लड शुगर किसे कहते हैं, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम हो जाए ग्लूकोज या शुगर का लेवल ब्लड में, ऐसी स्थिति को ही लो ब्लड शुगर या निम्न शुगर कह सकते हैं, हाइपोग्लाइकेमिया कह सकते हैं। ये स्थिति कई बार गंभीर लक्षणों को सामने रखती है। लो ब्लड शुगर जब हो जाए तो उन लक्षणों को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। पहली चीज़ है, जब भी ब्लड शुगर लो होने लगता है तो स्किन का कलर पीला होने लगेगा, थकान महसूस होने लगेगा, भूख ज़्यादा लगने लगेगा, शरीर कंपन महसूस करने लगता है, पसीना आने लगेगा, चाहे सर्दी का ही दिन क्यों ना हो पसीना आने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, दिल का जो धड़कन है हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ी से होने लगेगा, मूड चेंजेस होने लगेंगे, एंजाइटी और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा, सर भारी भारी या सर दर्द महसूस होने लगेगा, नींद नहीं आएगा, स्किन जो है वो झुंझुनाने लगेगा, आँखों से रोशनी में धुंधलापन नज़र आएगा, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, एकाग्रता की कमी हो जाएगी। इसके साथ साथ जब ज़्यादा मात्रा में शुगर कम हो जाए तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी आ सकती है, सीजर हो सकता है, कोमा में आ सकते हैं। तो ये सब लक्षण थोड़ा सा ध्यान करने की आवश्यकता है। जो डायबिटीज़ में ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटीज़ को ठीक करने की दवाइयाँ या इंसुलिन लेते रहते हैं, अक्सर उनमें ये देखा जाता है कि शुगर की मात्रा लो हो गया है और ऐसे लक्षण पैदा हो रहे हैं उनके अंदर। कारणों के बारे में बात करूं तो जो डायबिटीज़ की मेडिसिन बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, कभी कभी ज़रूर शुगर का एक रूटीन पीरियड के बाद चेकअप कराना चाहिए, नहीं तो कई बार इंसुलिन की अत्यधिक मात्रा इस्तेमाल होने की वजह से भी ब्लड शुगर की मात्रा लो हो जाता है। कई मेडिसिन्स हैं जैसे क्विनाइन आदि लेने पर भी ब्लड शुगर की मात्रा लो हो सकता है, हेपेटाइटिस या किडनी संबंधित बीमारियों की वजह से भी शुगर की मात्रा लो हो सकता है। कई बार पैनक्रियाज में एक रेयर प्रकार का ट्यूमर होता है, इसके वजह से भी कई बार शुगर का लेवल लो हो सकता है। एड्रिनल ग्लैंड डिफिशेंसी की बीमारी हो जाए तब भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि शुगर का जो लेवल है वो डाउन हो सकता है। कई बार लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते रहते हैं और कुछ खाना भी नहीं खाते तब भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकता है। लॉन्ग टर्म स्टारवेशन, कई लोग बहुत लंबे समय तक भूखा रहते हैं, उसमें भी शुगर का लेवल जो है वो लो हो सकता है। हॉट और ह्यूमिड वेदर वाले पर्यावरण में भी कई बार देखा गया है शुगर का लेवल कम हो जाता है। यौवन अवस्था में, पुबर्टी स्टेज में या पीरियड मेंस्ट्रुएशन की स्थिति में भी कई बार शुगर का लेवल टेम्पररी कारणों से लो हो जाता है। कई बार हाई अल्टीट्यूड में रहने वाले, ऊंचाई पहाड़ों में रहने वाले लोगों का शुगर लेवल भी कई बार लो हो जाता है। तो ये सब कारण के ऊपर कई बार शुगर का लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है कम हो जाता है। अगर आप में ऐसी स्थितियां मौजूद है जो लक्षण मैंने बताए हैं तो
आप अपने नज़दीक के डॉक्टर के परामर्श से ही बताए गए तरीके से चलिए, अपने से खुद कोई भी मेडिसिन ना ले। कई बार डायबिटीज़ के पेशेंट इंसुलिन लेते वक्त जो है ब्लड शुगर को रेगुलरली मॉनिटर नहीं करते हैं, तो कई बार जो है उनका शुगर लो हो जाता है। तो जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट्स हैं, उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि वो रेगुलर इंटरवल पर अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करें, और लो जैसी स्थिति और संकेत मिले तो अपने नज़दीक के डॉक्टर के परामर्श अनुसार ही ज़रूर चलें और डाइट को फॉलो करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इसी प्रकार से कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या चिकित्सा हेतु मुझसे प्रत्यक्ष मिलने के लिए मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।